सामने होली आ रही है, तो होली स्पेशल में आज आप लोग को एक डिश बना के दिखाने जा रही हूँ, जो है मिक्स फ्राइड राइस। तो ये है बासमती चावल, 500 ग्राम बासमती चावल है। इसको मैंने धो के इसको 15 मिनट के भिगो के रखा था, उसके बाद इसका पानी निकाल के रखा है। और ये है 500 ग्राम, तो ये सेम ये झींगा मछली है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें नमक और मिला के रखा है। झींगा मछली के देखिए यहाँ पे, आप अगर बड़े साइज की लेते हैं तो उसको पीसों में कर लीजिएगा, अगर छोटे पीसों में लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। तो देखिए इसके सिर के ऊपर इस तरह से एक ये सीरा रहता है, इसको आप निकाल के फेंक दीजिएगा। तो मैंने सब निकाल के इसमें फेंक के पानी में इसमें रखा है, क्योंकि ये निकल नहीं रहा है इसीलिए। तो देखिए इस तरह से मैंने साफ कर दिया है इसमें। और इसमें जो मैं वेजिटेबल दूंगी, इसमें ये एक एक से थोड़ी सी कम है, एक गाजर है, एक कैप्सिकम है, और ये है ऑनियन लीव्स है, और ये बीन्स है, और इसमें दूंगी एक प्याज और दो लहसुन की कुछ कलियां इसमें निकाल के रखूंगी। तो पहले चलिए मैं चावल को पानी में दे देती हूँ, तब तक चावल ही बन जाए। देखिए गर्म पानी हो चुका है, इसमें मैं अब चावल दे दे रही हूँ। तो इसको पूरा नहीं पकाना है, इसको 70% तक चावल को उबाल लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा पका ली, इसमें कुछ मैं ये तेज पत्ता दे दे रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा के लगभग मैं इसमें घी दे दे रही हूँ। ये थोड़ा सा बन जाए तब तो चलिए हम लोग वेजिटेबल को काट लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने नमक मिला के रखा है, और इसमें मैं दूंगी अदरक लहसुन और दो तीन मिर्च का मैं इसका पेस्ट बना के रखी थी, इसको इसमें मैरिनेट करके। टोमेटो देने से क्या होता है, उसका जो रेस्टोरेंट फ्लेवर होता है उस तरह से आता है, मगर घर में बनाने से ये फ्लेवर नहीं आता है, क्योंकि अजिनोमोटो खाना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए मैं इसमें इसी डालूंगी अजिनोमोटो। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अजिनोमोटो ना देने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए 15 मिनट तक तत्व मैरिनेट हो जाए, और मैं इस वेजिटेबल को काट लेती हूँ। फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं रिफाइन ऑयल से बनाऊंगी, तो पहले मैं एक को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा, और इसका एक गुर्जी बना लेती हूँ। इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, दो चम्मच रिफाइन ऑयल, फिर एक कम दे दूंगी। तो पहले गाजर को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, क्योंकि गाजर थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना पड़ेगा। तो पहले मैं गाजर को फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा। अब मैं लहसुन दूंगी इसमें, लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए।
अब मैं प्याज दे दूंगी। स्पेशल है, आप लोग इसको अपने घर पे बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, तो घर में मेहमान तो आते ही हैं, तो जब से ये बन भी जाता है तब तो इसमें मैं इसमें ओनियन लीव्स दे दूंगी, गाजर को मैंने दे दिया है, मटर को भी दे दूंगी, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। अब इसमें इसमें ये झींगा मछली को जो सीम को इसमें दे देती हूँ, कॉर्न फिश को मैं दे देती हूँ। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देती हूँ। इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट दे दूंगी। तो 2 चम्मच सोया सॉस दे दो। मैं बंगाली में बोल रही हूँ, मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें आप चिकन भी दे सकते हो, मगर मेरी डॉटर चिकन नहीं खाती है तो इसलिए मैंने चिकन नहीं दिया है, तो मैंने एग और कॉर्न फिश दिया है। इसमें थोड़ा 1 चम्मच ब्लैक पेपर, इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीनी दे दीजिएगा और ऊपर से 1 चम्मच और घी। और इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको टॉस कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा एग, इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए वेज फ्राइड राइस जब से बन गई है, प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी और आप लोग सब मेरी आने वाली वीडियो देख सकते हो। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, आनंद से रहिए, हैप्पी होली, खूब आनंद कीजिए कलरफुल का, कलरफुल वेजिटेबल मिक्स फ्राइड राइस। तो टिल देन टाटा बाय, लव यू ऑल, हैप्पी होली।